हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माई वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? और एक और चीज़ मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अपने अंदर आप कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएंगे। जी हाँ, कॉन्फिडेंस। आज एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत छोटा सा। शायद मेरी तरह आपकी भी कहानी होगी, कुछ इसी तरह की कहानी होगी, कुछ मिलती जुलती होगी। अगर आप को रिलेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा दिल से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप सोचते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि 50% लोग आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन ये भी मान के चलिए कि जो 50% जो लोग हैं वो आपको बोलेंगे कि नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं है, या तो आपकी टांग खींचेंगे या तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप इसको पहले से मान के चलिए। लेकिन इन सब जो पूरा जो भी आप काम कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एक पर्सन को दुखी करते हैं वो है कौन? आपके पति या आपके माँ बाप या और भी करीबी रिश्तेदार? जी नहीं, आप खुद। आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप करिए, क्योंकि आपका खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई काम करने से किसी और व्यक्ति को किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ समय आएगा, लोग भूल जाएंगे, वो बीत जाएगी वो बात, लेकिन एक पर्सन हमेशा इस चीज़ का मलाल करता रहेगा कि मैंने ये काम इस वक्त पे क्यों नहीं किया। ज़िंदगी भर का मलाल होने से अच्छा है कि वो जो वक्त है, जो आज है, जो खुद है, वो आज का ही वक्त है जो आप खुद के लिए कर सकते हैं। इसलिए ऐसा काम करिए जिससे कि आपको खुशी मिलती है। और हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके किसी तरह के भी एक्ट से अगर दूसरों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो एक्ट जिससे कि दूसरों को परेशानी हो, दूसरे की हानि हो, उस काम को करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का कहीं खुशी नहीं है। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, सपोज़ दैट मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किसी का नुकसान कर रहे हो जिसमें आपकी खुशी है, तो ये सामने वाले पर्सन के लिए तो ठीक नहीं है। भले आपकी ही खुशी क्यों ना हो, लेकिन वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा हो। तो होप आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ये बोलती हूँ, आज मैंने ये साड़ी का गेटअप क्यों रखा है? बिकॉज मुझे पहनना था साड़ी, मेरी मर्ज़ी थी, मेरा मन था, मैं चाहती थी, बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट। ये चीज़ को आप कभी भी मत बोलिएगा, दिल से बता रही हूँ। नहीं तो आप सब कोई को खुश रखते रखते जो एक पर्सन को आप दुखी करोगे वो है सिर्फ आप खुद। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप साड़ी में अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप साड़ी में अच्छी लगती हैं। अब किसकी बात मानी जाए? उन अच्छी लग रही हो तो ठीक है, पहन लेती हूँ। बहुत लोग आपको डिमोटिवेट कर देंगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है आप ओवरवेट हैं, नहीं अच्छा लगता आप में, ये सब। आप किन की बात सुनोगे? मुझे पसंद है, मुझे नहीं पसंद है, हु मैटर्स, आई मैटर। तो जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि ये सुनते सुनते पता चलेगा कि कई साल बीत गए आपने सिर्फ दूसरों के हिसाब से काम किया, खुद के हिसाब से कभी काम नहीं किया, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लैक करती है, आप परेशान हो उठेगा। तो अपने आप को दुखी करने से अच्छा है कि आप खुश रहने की कोशिश करो। और माहौल किस तरह का भी, कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप फर्म डिटरमाइंड हो कि आपको खुश रहना है तो आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता है। लोग ये चीज़ के लिए पूरे ज़िंदगी रोते रहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रही। आप अपने शर्तों पर जिए, चाहे वो छोटी सी ही खुशी क्यों ना हो, चाहे वो साड़ी पहनना क्यों ना हो, चाहे आपका बाल खुलना ही क्यों ना हो, वो आपकी मर्ज़ी है। होप आप लोग जितने भी हाउसवाइफ्स हो या जितने भी मेल मेंबर्स में मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो इसको डीपली समझने की कोशिश करिएगा। और मैं जानती हूँ कि मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलती है जिस तरह से आप लोग मेरे को फीडबैक दे रहे हैं, आपके विचार मुझ तक पहुंच रहे हैं, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मुझे मिलती है कि आप लोग इतने ज़्यादा समझदार हैं। और अपने लिए जिए, जो आप करना चाहते हैं उसको प्लीज़ बाद के लिए मत छोड़िए। लाइफ बहुत छोटी है और समय भी बहुत कम है, तो वो सब कुछ इसी लाइफ में कर लेना है जो आप करना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। पेंटिंग करने का मन है, पेंटिंग करिए। डांसिंग करने का मन है, डांस करिए। सिंगिंग करने का मन है, करिए। आपको मना किसने किया है?
जिस समय आप डिटरमाइंड हो जाएंगे कि मुझे ये करना है, मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पूरा करना है, तो एक दिन देखिए यही जो लोग जो आपको डीमोटिवेट करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके सफलता को देख के खुश हो जाएंगे। तो प्लीज़ बी योरसेल्फ। और थैंक्स पूरा वीडियो देखने के लिए, और किसी भी तरह की और भी कोई भी प्रॉब्लम या जो भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच।